IPL 2021 मैच नंबर 10 RCB वर्सेस KKR और इस कमाल के मुकाबले में RCB ने KKR को दी 38 रनों से मात। लेकिन मैच में एक सिचुएशन ऐसी थी जब जीत तो RCB की मुट्ठी में नजर आ रही थी, लेकिन विराट कोहली के चेहरे पर थे टेंशन के बादल, क्योंकि दिमाग में चल रहा था 2019 जब चाहिए थे 18 गेंदों पर 53 रन। आंद्रे रसल ने 13 गेंदों में 48 रनों की पारी खेल वो मुकाबला RCB की मुट्ठी से छीन लिया था। सिचुएशन आज भी वैसी थी और रसल अपने उसी रंग में नजर आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले वो चहल को एक लंबा छक्का लगा चुके थे, लेकिन ओवर नंबर था 19 और गेंद थी मोहम्मद सिराज के हाथ में। और वह सिराज जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, एक के बाद एक सटीक यॉर्कर लेंथ गेंदे जिनका आंद्रे रसल के पास भी कोई जवाब नहीं। पहली गेंद यॉर्कर लेंथ, दूसरी गेंद यॉर्कर लेंथ, तीसरी गेंद और चौथी गेंद, और आंद्रे रसल मजबूर नजर आ रहे थे। एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी पर लगातार सवाल उठते थे, उसने अपनी गेंदबाजी में वो धार बना ली कि वो डेथ ओवर का एक बेहतरीन गेंदबाज नजर आ रहा है आरसीबी के लिए। अपने 3 ओवर के स्पेल में सिराज ने मात्र 17 रन खर्च किए, विकेट तो नहीं मिली लेकिन उनकी ये गेंदबाजी किफायती रही बैंगलोर के लिए। और कहीं ना कहीं सिराज ने जो टेस्ट सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका सारा एक्सपीरियंस यहां पर झोंक दिया। पिछले कुछ सालों में आरसीबी को जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया है वो उसके आखिरी ओवर की गेंदबाजी, लेकिन सिराज की इस धारदार गेंदबाजी ने आरसीबी की वो टेंशन खत्म सी कर दी है। और लगता है आरसीबी इस आईपीएल में एक लंबा रास्ता तय करने जा रही है, और वो भी क्यों ना, जब आपके पास सिराज जैसा गेंदबाज हो जिसने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया और अब आईपीएल में, तो विराट कोहली की जो टेंशन थी वो कहीं ना कहीं सिराज ने काफी हद तक खत्म कर दी है। आपका क्या कहना है सिराज की इस गेंदबाजी के बारे में, क्या उन्हें वो T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका दिलाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।